कोरोना महामारी के कारण लागू हुए लॉकडाउन ने कमर तोड़ दी है। रही सही कसर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हर दिन इजाफे के कारण बढ़ती महंगाई ने पूरी कर दी है। इसे लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। जांजगीर में जिला युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही सड़कों पर केंद्र सरकार की शव यात्रा भी निकाली। युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों का कहना है कि पिछले 20 दिन से लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के कीमतों से आम जनता हताश है। गरीबों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन केंद्र सरकार अपना फायदा देख रही है। नेताओं ने केंद्र सरकार से दाम में कमी करने की मांग की है। आज प्रदेश युवा कांग्रेस के आह्वान पर पेट्रोल और डीजल पर जो लगातार मोदी जी के द्वारा कल 20वां दिन था कि रोज़ कुछ न कुछ रेट पेट्रोल डीजल के बढ़ाया जा रहा था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पे आज जिला मुख्यालय में नेताजी चौक से कचहरी चौक तक केंद्र सरकार का हम लोग एक शव यात्रा निकाले हैं। उस शव यात्रा में बाइक को हम लोग रखे थे कि अब बाइक कार चलाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि मोदी जी अपना एक नया टैक्स लागू किए हैं, पेट्रोल और डीजल के नाम पर पूरे भारतवासियों को लूट रहा है। आपके माध्यम से और सब चैनल के माध्यम से रोज़ पता चल रहा है कि कच्चा तेल का रेट लगातार कम होते जा रहा है और मोदी जी का जो अपना पेट्रोलियम वो चला रहे हैं वो रोज़ बढ़ रहा है और इतिहास में पहली बार पेट्रोल से भी महंगा डीजल हुआ है। ये मोदी जी का एक प्रकार से बहुत बड़ा योगदान है भारतवासी को तंग करने के लिए, और रोज़ मोदी जी अपना ये लूट मचाए हुए हैं, उसी के विरोध में आज हम लोग शव यात्रा केंद्र सरकार का निकाले। आज पूरे देश में कोरोना महामारी का संकट छाया हुआ है, हजारों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, लाखों लोग के सामने रोजी रोटी की समस्या आ गई है, और ऐसी विकट परिस्थिति में विगत 20 दिनों से जिस प्रकार से डीजल और पेट्रोल की कीमतों में प्रतिदिन, आज भी पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी की गई है, लगातार 21 दिन हो गए हैं और डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। इससे लोगों जो आप पहले से ही बहुत मुसीबत में हैं उनके ऊपर एक दोहरा प्रहार आर्थिक रूप से हो रहा है, और इस मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार मौन साधे बैठी है उन्हें जगाने के लिए, और बढ़ी हुई डीजल और पेट्रोल की कीमतों को तत्काल कम करने की मांग को लेकर जो शव यात्रा निकाली गई है उसमें हम लोगों ने सहभागिता निभाई है, और स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि डीजल की कीमत पेट्रोल से भी ज़्यादा हो गई है। जांजगीर चांपा से लाला उपाध्याय की रिपोर्ट।